भैंस के बच्चे को नहलाना है अगले 3 घंटे के अंदर। दोस्तों हम पहुंच गए अपने ऊना शहर में। यहाँ पे आते ही जेके जी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जेके जी यहीं पास में ऑफिस है उनका। मैं जाऊँगा नहीं मिलने उनसे, क्योंकि सबको पता है, तो छोड़ो फिर क्यों क्लेश करवाना। भैंस ने बच्चा दिया है मुबारक हो, भैंस ने बच्चा दिया मुबारक हो। तूने जो कॉन्स्पिरेसी खेली है ना हमारे साथ, इतने दिन हम यहाँ पे रहे और तूने बच्चा नहीं दिया ना, मैं फिर भी आ गया। देखा, देखो कितना बड़ा डब्बा भर के हमारी भैंस दूध दे रही है। तो क्या पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। स्वागत है भक्तगणों एक नए ब्लॉग में। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर और ये आपकी फेवरेट कबूतरी। पापा ने बैग भर लिया है, पापा जा रहे हैं। किसी जा रहे हो? जाना पड़ेगा। गैस करो कहाँ जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ हिमाचल। वो एक्चुअली वो पता था ना आप लोगों को कि भैंस ने बच्चा दिया है, तो हमारे यहाँ ना वो होती है प्रथा होती है कि जब भैंस बच्चा देती है तो घर के बेटे को जाके उसके बच्चे को नहलाना होता है। सो जा रहा हूँ वहाँ पर। सो गुगु ठीक है, फिर क्या लेके जा रही है तो इनको? नहीं वो प्रथा में ये लोग शामिल नहीं है। चलो ठीक है, अच्छा दो विदा करो हमें, बैग ले आउट। ठीक है, उठो चलो चलो, बाय बाय, ख्याल रखना अपना। ओके बाय बाय। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं। ट्रेन का नाम है हमसफर और मेरी हमसफर घर पे रह गई है। अंकल जी बातें सुन रहे हैं मेरी। बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा हूँ। लाइक अभी 15 मिनट है ट्रेन छूटने में। ऑटो मिला बड़ी मुश्किल से। दुख बस इसी बात का है कि सीट आर एसी रह गई है यार, कंफर्म नहीं हो भाई। ठंडा भाई इधर प्रयागराज में, इतनी ठंड नहीं थी। और बैग मैंने आगे इसलिए टांग रखा है क्योंकि ये दिल्ली है मेरी जान। चंडीगढ़ इट इज। यहाँ से लूँगा मैं हिमाचल के लिए बस, और मुझे पहुँचना जल्दी जाके, क्योंकि जिस काम के लिए जा रहा हूँ, भैंस के बच्चे को नहलाना है अगले 3 घंटे के अंदर। चंडीगढ़ की वाइब ही अलग है। पहुंच गए अपने ऊना शहर में। यहाँ पे आते ही जेके जी की बहुत याद आ रही है, क्योंकि जेके जी यहीं पास में ऑफिस है उनका। बट मैं जाऊंगा नहीं मिलने उनसे, क्योंकि द थिंग इज कि सबको पता है, तो छोड़ो फिर क्यों क्लेश करवाना। मम्मी डैडी आए हैं मुझे लेने, जो कि उधर दूर खड़े हैं। 1 किलोमीटर चला दिया इन दोनों ने मुझे। इतने शॉर्ट नोटिस पर बुलाया ना, मेरा कोई भी प्लान नहीं था अभी हिमाचल आने का। भैंस ने बच्चा दिया है मुबारक हो, भैंस ने बच्चा दिया मुबारक हो। हाँ जी क्या चाल है? ठीक है चलो बैठो बैठो फटाफट चलो। हमारी रियूनियन की खुशी में हाका नूडल खाने आए हैं हम यहाँ पे। मम्मी सबको बता दो कि मुझे क्यों बुलाया इतने दूर से, कि भैंस ने बच्चा दिया तो क्यों, मतलब क्या हो गया उसमें? दूध मलाई ज्यादा दही क्यों? नहीं वो जो प्रथा है, जो रिचुअल है हमारा, कि जो भैंस ने बच्चा दिया वो मुझे नहलाना उसे। हाँ। तो आप लोग भी तो कर सकते थे वो? नहीं, वो घर का बेटा जो था उसको नहलाते हैं उसके साथ। देखा मान गए ना, आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ। पूनम देख लो और मम्मी क्या खा रहे हैं, पूनम के फेवरेट हैं। रियो आए हाय हाय हाय। क्या हाल है तेरे? ठीक है, पहला वर्ड गुगुत रियो बोलना सीखी है। हाँ चुप
बैक होम। वो घड़ी आ गई है, हमें दिखाया जाए हमारे घर का नया मेहमान कहाँ है तेरा बच्चा। तूने जानबूझ के हमें नहीं दिखाया ना, नहीं दिखाया ना जानबूझ के। इसके नाक में से निकला है छी छी। कहाँ है, कहाँ है? हेलो हेलो। उसका नाम गुगु, तेरा नाम डुगु, ठीक है? आज से तेरा नाम डुगु है। मैंने नामकरण कर दिया इसका, इसका नाम डुगु है, ठीक है मम्मी? यह नाम डुगु है, ठीक है? डुगु वो गुगु, ये डुगु। क्या है, क्या बदमाश है तू? तू बदमाश है। इतने दूर से आया हूँ तेरा बच्चा देखने के लिए, लड़ती मेरे साथ? तूने जो कॉन्स्पिरेसी खेली है ना हमारे साथ, इतने दिन हम यहाँ पे रहे और तूने बच्चा नहीं दिया ना, मैं फिर भी आ गया। देखा, फिर भी आ गया मैं। घर आके बहुत अच्छा लग रहा है यार। और कल मैं ना ब्रश तो ले आया, टूथपेस्ट लाया नहीं, तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं ना, तो ब्रश कर पाया। शाम के 5 बजे मैं ब्रश कर रहा हूँ, उसके बाद मम्मी ने खाना बनाया वो खाऊँगा। इट फील्स सो गुड मैन, इट फील्स सो सो गुड। देखो कितना बड़ा डब्बा भर के हमारी भैंस दूध दे रही है। तो क्या, पूरी दुनिया को पता लगना चाहिए। ये वाला समझ तो तुम लोग गए होंगे कौन से वाला है। मैं कर रही हूं। मम्मी हमारे जो सब्सक्राइबर उनकी नजर नहीं लगती, बरकत होती है उनके देखने से। बरकत है ना, बंद कर। और ज्यादा देगी हमारी भैंस। चल नहीं दिखाता यार, छोड़ो। इसी पल के लिए तो हमने भैंसे रखी हुई हैं कि ये वाली चीज मुझे मिल सके। थैंक यू बोलना अपनी मम्मी को, ठीक है? हमारे घर गोभी भी लगी है, गोभी देखोगे? कैरी कैरी अदरक भी दिखा दे, उखाड़ के दिखा दे। अपना काम निकालने के लिए कैसे है ना, कितनी सुंदर है। मैं खा जाता हूँ इसे कच्ची को, तोड़ तोड़ के, बड़े मस्त मजा आता है खाने का। मम्मी गए भैंसियों के लिए घास लेने और हम चूल्हे के पास सेकेंगे। अब आज शाम को एक शादी भी है, बट अभी कंफर्म नहीं मेरा जाना, क्योंकि मैं सोया नहीं हूँ यार पूरी रात। मेरी सीट कंफर्म नहीं थी, मतलब RAC थी, आधी सीट में बैठ के आया हूँ, और दूसरा जो गेंडा मेरे साथ बैठा था वो सो गया है यार। फिर सोचो, मतलब 10 बजे बैठा था मैं, सुबह 6:30 बजे तक बैठा ही रहा हूँ, मतलब कभी खड़ा होके साइड में खड़ा हो रहा हूँ, कभी बैठ रहा हूँ फिर खड़ा हो रहा हूँ, मतलब लेटना नहीं मिला मुझे एक मिनट के लिए। आगे जो ट्रेन थी वो चेयर कार थी, तो उसमें तो बैठना ही था। उसके बाद बस में आया, इट वॉज़ वेरी हेक्टिक, बट इन द एंड घर पहुँच गया। और क्या है, कोई तो है बाहर? आए हैं मोहित जी। मोहित जी कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताओ। और सब बढ़िया, ठीक ठाक? सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और नहीता जी क्या चल रहा है जिंदगी में? बहुत कुछ चल रहा है, ठंड बढ़ गई है हिमाचल में बहुत ज्यादा। हिमाचल में आए सभी दर्शक आए हमारे घर वाला, आजकल नड्डी में बर्फ पड़ने वाली है, और यहाँ पे कूड़ा ना फैला के जाएं, ठीक है? कूड़ा ना फैला के जाएं, अपना कूड़ा अपनी पन्नी सब साथ में लेके जाओ। जाएंगे प्लान प्लान बनाएंगे। और गर्लफ्रेंड कहाँ है? गर्लफ्रेंड नहीं, छोड़ गई मेरे को, तो पक्का ही छोड़ गई। छोड़ दिया? हाय, छन से जो टूटे कोई सपना। कोई नहीं, तेरे लिए हम लड़का ढूंढेंगे अब। हाय निखिल, अनुज ये भी आए हुए हैं, और ये तो पहले से आए हुए थे। अभी इनके साथ ना एक इंसिडेंट हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ है। इनकी जो क्या नाम क्या है, नाम क्या है आपके डॉगी का? क्या नाम है? मेरा कोई नाम नहीं है उसका। आपका नहीं, आपके डॉगी का क्या नाम है? इधर निखिल जी बताएंगे अभी कि क्या हुआ है।
भाई कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ सब है। शांत है, सब शांत है यहाँ पे। नहीं, डॉगी का क्या नाम है आपके? रॉक्सी। रॉक्सी के साथ रॉक्सी को गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी। वर्ड प्ले, हाँ। जो पहले बोला वो बोला ना, रॉक्सी को गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी, यही बोला था मैंने। पर इन्होंने कुछ शब्द चेंज कर दिए, वो मेरे को अच्छे नहीं लगे। रॉक्सी फील कर गई उधर, रॉक्सी का मालिक फील कर गई, रॉक्सी फील कर गई कि मेरे लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी मालिक के द्वारा। शादी में चलेगा फिर? शादी में जाएंगे। जाएंगे, चल फिर स्कूटी पे चले। गांव में शादी है एक, चलो। एंड हमेशा की तरह हमारे साथ जाएंगे मिस्टर बीस्ट। चले, चलो मचाएंगे धूम। धूम क्या मचाएंगे, मैं तो ऐसे जा रहा हूँ यार, ऐसे ही माहौल देखने जा रहा हूँ मैं। गांव की शादी में मैं धूम नहीं मचाता, धूम में मचाता हूँ बाहर जाके, बगानी शादी में। बगानी शादियों में हमारे साथ 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 जा रहे हैं अनुज, निखिल और एक और लड़का है लविश। शो बॉय बादशाह। ओ भाई, ओ भाई, भाई भाई क्या भाई का दूसरा प्रोग्राम चल रहा है, मतलब कोई गेस्ट आए हुए हैं इसके पास। टिकियां खाई जा रही हैं, टिकियां खाई जा रही हैं। शादी में आए तो यार इतना तो बनता ही है। ठंड बहुत ही ज्यादा है यार इधर, बता उधर नहीं इतनी ज्यादा, यहाँ पे बहुत ज्यादा तो ऐसे वाला हो जा रहा है पता। सो टिक्की खा ली हमने, बाकी के लड़के गए हैं डिनर करने शादी में। सो एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, कल रात मुझे पूरा सोने को नहीं मिला है, तो आज मैं पूरी रात आराम से सोऊंगा अभी जाके, और कल सुबह उठ के भी प्लान्स हैं कुछ। तो फिर बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस जर्नी में मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर ये ब्लॉग यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्यार बरकरार रखो, लाइक करके जाना वीडियो को और सब्सक्राइब भी करना। और ये मत सोचना कि गुग्गू नहीं है इस ब्लॉग में, होगी गुग्गू भी होगी, टेंशन मत लेना। सुन लिया ना, तो देखना है ब्लॉग पूरा अभी देखा होगा तो ये एंड में आ रहा होगा, यहाँ तक जो पहुंचा होगा उसने तो देख लिया होगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, चलो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।